अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी फाइन एंड डूइंग गुड। टुडे द टॉपिक वी विल गोइंग टू डिस्कस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो एंड डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी केम टू नो अबाउट दीज टू टर्म्स, व्हाट वाज द डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो एंड व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन coefficient. To recall you, I explain here again. Distribution coefficient kya tha, ke this is a physical constant, this is a constant ratio, and the ratio depends upon the distribution of solute in organic layer to the concentration of solute in aqueous layer. तो ये रेशियो जौन सी है वो कांस्टेंट होती है किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी एक्सट्रैक्शन जो भी प्रोसेस आप कैरी ऑन कर रहे हो, ठीक है। और इसमें क्या था कि ये गिब्स फेस रूल को ओबे करती है। और डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो क्या थी कि वो कहता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो है वो टेम्परेचर, दो चीज़ें उसमें थी कि टेम्परेचर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इट इज़ कॉन्स्टेंट एंड विद द सेम मॉलिक्यूलर स्टेट। सेम मॉलिक्यूलर स्टेट कौन सी है वो कहता है कि डिफरेंट भी हो सकती है, एज इन द एग्जांपल ऑफ बेंजोइक एसिड, क्योंकि वो पोलर है, थोड़ी सी पोलैरिटी उसके अंदर एग्जिस्ट करती है। तो इन एक्वस लेयर जब हम उसे लेते हैं तो उसका जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है, ऑन डैट बेसिस इट विल बी चेंज इनटू बेंजोएट एनायन एंड द हाइड्रोजन आयन। टू एड्रेस दिस इशू द डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो कौन सी है उसने कहा कि हम उसकी जो एक्वस लेयर है उसमें हम बेंजोइक एसिड की बजाय अगर हम ऐड कर दें उसकी कंसनट्रेशन ऑफ बेंजोएट एंड आयन, ठीक है, तो उसको हम ज़्यादा अच्छे क्वांटिटेटिवली एनालाइज कर सकते हैं। तो हाउ दीज टू टर्म्स विल कोरिलेट विद वन अनदर, टू कोरिलेशन वी चेंज वी कम टू विद द आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है ना। आयोनाइजेशन कांस्टेंट में वो कहता है कि जो बेंजोइक एसिड है वो आयोनाइज हो जाता है बेंजोएट एनायन में, हाइड्रोजन आयन में, एंड डिवाइडेड बाय द रिएक्टेंट्स जो भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट मौजूद है। तो अगर हम इस यहाँ से बेंजोएट एनायन की इस इक्वेशन को रीअरेंज करें एंड टेक द कंसंट्रेशन ऑफ बेंजोएट एनायन, बेंजोएट एनायन विल बिकम के ए मल्टीप्लाई बेंजोइक एसिड कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। इधर से इक्वेशन 6.3 से हम ले लेंगे बेंजोएट एनायन की वैल्यू और यहाँ पे हम लेंगे ईथर की वैल्यू। ईथर की लेयर में बेंजोइक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है, डैट विल बी इक्वल टू के डी। के डी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड इन द एक्वस लेयर। तो 6.4 से हमने कंसंट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड इन ईथर लेयर को जो है उसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस किस तरह से बन जाएंगी, 6.3 से और 6.4 से हमारे पास ये बेंजोएट एनायन की आ जाएगी वैल्यू। मैंने भी आपको बताया है के ए मल्टीप्लाई बेंजोइक एसिड हाइड्रोजन आयन, और अभी मैंने अभी आपको बताया है कि 6.4 से आपने ले लेनी है ईथर लेयर की वैल्यू। तो अब ये दोनों वैल्यूज जो बेंजोएट एनायन की है हम पुट करेंगे दीज टू वैल्यूज, जो वैल्यूज हैं बेंजोएट एनायन की कंसंट्रेशन एंड ईथर की कंसंट्रेशन इन इक्वेशन नंबर 6.5। ये वैल्यू ली है 6.3 से, दिस वैल्यू कम्स फ्रॉम द 6.4 एंड दीज टू वैल्यूज विल पुट इन द इक्वेशन नंबर 6.5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, जो ईथर लेयर है यहाँ पर ईथर लेयर की जगह हम लिख सकते हैं के डी मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड इन द एक्वस लेयर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड इन एक्वस लेयर जमा यहाँ पर आ जाएगा आपके पास बेंजोएट एनायन, डेट विल बी इक्वल टू ब्रैकेट डालेंगे अब के ए मल्टीप्लाई ये सारी वैल्यू कौन सी है इसकी यहाँ पर एज सच पुट कर देंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन कौन सा है ये कहाँ चला जाएगा, जब हम ये इसके क्रॉस में आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। और इक्वेशन की शक्ल अब कैसी बनेगी मैं भी आपसे शेयर करती हूँ जी। ये आपके पास आ गया ना, यहाँ पे हमने जो थी एक्वस बेंजोएट एनायन की लगा दी और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड इन द ईथर लेयर में पुट कर दिया इसको। तो अब ये क्या आपके पास इक्वेशन आ जाती है, ये हाइड्रोजन आयन कौन सा है ये यहाँ पे वो ऊपर नहीं लेके क्या, बल्कि उसने क्या किया कि ये जो कंसंट्रेशन एक्वस लेयर में है एंड दिस इज द एक्वस लेयर, ये के ए मल्टीप्लाई दिस इज द एक्वस लेयर,
इसका उसने नीचे से क्या लिया है, इसको यहाँ पर कॉमन निकाल दें, यहाँ से आप इसको C6H5COOH एक्वस लेयर, इस पूरी को एक नीचे इक्वेशन कंसिडर करते हुए यहाँ ब्रैकेट लगाएं, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लग जाएगी, ठीक है। और अच्छा यहाँ पे मैं आपके साथ इसकी ना वाइट बोर्ड से शेयर कर दूँ, ये हमारे पास आ रहा है ना, क्या था डी की वैल्यू थी, डेट विल बी इक्वल टू किसके इक्वल आया था, ये आपके पास बेंजोइक एसिड, मैं इस तरह से बेंजोइक एसिड बी ए लिख देती हूँ, ठीक है। कंसंट्रेशन थी बेंजोइक एसिड की किसमें थी जी, ये एक्वस लेयर में थी, और यहाँ पे ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा था, के डी से, ठीक है जी। यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा था, अब आ गया था बेंजोइक एसिड, किस में था जी, ये एक्वस लेयर में था, प्लस का साइन बनता था, और फिर हमारे पास आता था के ए, और फिर कंसंट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड इन द एक्वस लेयर, और इसी को ट्राई करते हैं, इसको डिलीट कर दें, एक्वस लेयर था यहाँ पे डिवाइडेड बाय था, और फिर आ जाता था हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, प्रोटॉन आयन जो थे। तो अब इस पूरी इक्वेशन में से ये इक्वेशन सीधी जाएगी, और ये जो अब आपके पास ये जो नीचे वाली वैल्यू थी यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप पे अब ये जो आपके पास डी है वो एज सच रहेगा। अच्छा नीचे वाली जो पोर्शन है ना, मैं वहां से आपको बताना चाहती हूँ, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड कॉमन निकल आएगा, ठीक है, और यहाँ पर ये जो थी कंसंट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड इन एक्वस लेयर, ये वाला बन जाएगा, बंद की वैल्यू आ जाएगी, प्लस यहाँ पर आ जाएगा के ए, और फिर ये जो है एक्वस लेयर की जगह वन की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइडेड बाय फिर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन, सॉरी ये यहाँ पे मैंने प्लस लगाना था, तो नीचे वाली इक्वेशन कौन सी है, वो आपके पास इस तरह से कि जो ये वाला पोर्शन था ना नीचे डिवाइडेड बाय वाला, यहाँ से हमने कंसंट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड इन एक्वस लेयर कॉमन निकाल लिया, तो ये इक्वेशन की क्या शक्ल बन गई, बी ए बेंजोइक एसिड इन एक्वस लेयर वन प्लस के डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और अब हाइड्रोजन आयन के ऊपर वाला जो पोर्शन था कि ये के डी मल्टीप्लाई दिस बेंजोइक एसिड इन एक्वस लेयर, ये नीचे वाला ऊपर वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, इसको हम ये नीचे है ना इसके इससे कैंसिल आउट कर देंगे, तो इक्वेशन की शक्ल क्या रह जाएगी वो अब मैं आपके साथ वहाँ बुक से शेयर कर लेती हूँ। ये देखिए ये आ गया ना, कि यहाँ से हमने ये इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगाई और बेंजोइक एसिड इन एक्वस लेयर कॉमन निकाल लिया, ये आ गया वन प्लस के ए डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन आयन इन एक्वस लेयर। तो ये जो बेंजोइक एसिड हमने यहाँ कॉमन निकाला था ये ऊपर वाले इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, जब कैंसिल हो गया
इन एक्वस लेयर तो ये इक्वेशन क्या रहेगी, डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो विल इक्वल टू के डी डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन. गॉट इट? तो ये आपके पास रिलेशन क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके इक्वल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के डी के, डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो के. और क्या है, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन क्या होगी, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, जितने वो एन आयन और कैटाइन में डिसोसिएट होगा, कंसेंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि डी इज़ नियरली इक्वल टू के डी. तो वो उससे क्या होगा, वो नियरली इक्वल टू के डी होगा. इसको अब हम फर्दर इस इक्वेशन के कंक्लूजन को डिस्कस कर लेते हैं. व्हेन हाइड्रोजन फ्रॉम द रिलेशन गिवन इन इक्वेशन this is 6.8, it is clear that when hydrogen ion concentration in aqueous layer is very very high, then the ionization constant, ठीक है, जब वो सारे का सारा dissociate हो जाएगा, ionization constant की value, ठीक है, अभी हम पीछे जाएं, ठीक है ना, कहते hydrogen ion जितना ज़्यादा होगा, किसके, इसकी जब ज़्यादा इसकी ionization होगी, तो क्या होगा, के जो के ए की वैल्यू, के ए की जो वैल्यू आयनाइजेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू है उससे ज़्यादा होगी, तो डी जो है डेट विल बी नियरली इक्वल टू के डी. क्या होगा, ये इससे कैंसिल आउट हो सकता है, इससे उसकी वैल्यूज को जो है वो इक्वल कर देगा, जिसकी वजह से डी की वैल्यू जो है वो के डी के इक्वल होगी. इफ़ के डी इज लार्ज, के डी कब लार्ज होना था, जब डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो जौन सी है वो ईथर लेयर में ज़्यादा हो. के डी की वैल्यू क्या है, कि जब एक फिजिबल अमाउंट आपके पास आ जाती है इन द ऑर्गेनिक लेयर एज वेल एज इन द एक्वस लेयर, तो के डी की वैल्यू जब लार्ज होगी, बेंजोइक एसिड विल बी एक्सट्रैक्टेड इन टू ईथर लेयर, ईथर लेयर में वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक्सट्रैक्ट होगा, एंड डी इज मैक्सिमम अंडर दीज कंडीशन. मैक्सिमम आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो कब आती है, जब के डी की वैल्यू हाई होती है. के डी की वैल्यू कब हाई होनी है, जब आपके पास ये देखिए, के डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन इन द ऑर्गेनिक लेयर, जितनी ज्यादा ऊपर वाली वैल्यू हाई होगी, के डी की वैल्यू भी उतनी ही ग्रेटर होगी. तो वो कहता है कि ये वो सिचुएशन है जब क्या होगा, आपके पास मैक्सिमम जो वैल्यू है वो डी की, डिस्ट्रीब्यूशन जो रेशियो है वो मैक्सिमम आप उसे ऑब्टेन कर सकते हैं. अच्छा, अब वो कहता है कि अगर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इज लेस देन के, अब ये हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन क्या है, कि हम ये इसको आप कह सकते हो कि हम कोरिलेट कर सकते हैं स्पेसिफिकली विद द पीएच ऑफ द सॉल्वेंट सिस्टम. सॉल्वेंट सिस्टम की पीएच जौन सी है, जब कुछ वेरी करेगी उसमें, अगर वो ज़्यादा एसिडिक है, ज़्यादा एसिडिक होने की सूरत में क्या करेगा वो, डी विल बी नियरली इक्वल टू के डी. अगर वो लेस देन आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, अगर जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू है उस स्पीशी की, उसकी जो पीएच है वो लेस देन दैट के ए है, तो क्या होगा कि डी जो है, अब ये हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो डी की वैल्यू किस तरह से डिक्रीज होगी, कि डी की वैल्यू जौन सी है वो आपके पास रिड्यूस करेगी के डी हाइड्रोजन आयन मल्टी डिवाइडेड बाय के ए, कि ये जो वैल्यू है, अब ये जो है ये वैल्यू, यहाँ से ये हाइड्रोजन आयन ऊपर चला जाता है ना, तो ये के डी हाइड्रोजन आयन डिवाइडेड बाय के ए आपके पास आ जाता है. तो ये जौन सा है ये वेरी वेरी स्मॉल होगी, एंड बेंजोइक एसिड विल रिमेन इन एक्वस लेयर एट द पीएच दैट इज लोअर देन द आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट. तो डी की वैल्यू जौन सी है वो रिड्यूस करेगी, डी की वैल्यू कितनी रिड्यूस करेगी, कि डेट विल बी इक्वल टू द कैलकुलेशन ऑफ दीज टर्म्स, ठीक है. और वो कहता है कि अब जो वैल्यू रिड्यूस करेगी, जो डी की वैल्यू आपके पास उसमें कमी होगी, वो बहुत थोड़ी सी होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, the benzoic acid will remain in the aqueous layer. This implies that in alkaline solution, the benzoic acid is ionized and cannot be extracted. benzoic acid जो है वो
जो देखें ये हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कम है, इसका मतलब है एसिडिक नहीं है, वो अल्कलाइन है, तो बेंजोइक एसिड ज़्यादा कहाँ पे जाएगा, वो डेड बेंजोइक एसिड इस आयोनाइज, और चूँकि वो एक्वोस्फेयर में जाएगा वो आयोनाइज हो जाएगा और उसकी हम एक्सट्रैक्शन को एज सच फॉलो करने में हमें मुश्किल होगी। ऑन द अदर हैंड इन एसिडिक सोल्यूशन बेंजोइक एसिड रिमेन्स अनडिसोसिएटेड एंड हेंस गेट्स एक्सट्रैक्टेड इन द ईथर सॉल्वेंट। अच्छा अब और हम इसे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, प्रिडिक्ट 6.8 जो है वो प्रिडिक्ट करती है डेट द एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी। इससे क्या पता चल रहा है, कहीं पर आपको कंसंट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड नज़र आ रही है इस इक्वेशन में, ठीक है ना, नहीं है, तो ये दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक के जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो है या डिस्ट्रीब्यूशन को इफिशियंट है, इट इज़ इंडिपेंडेंट, बेसिकली किससे इंडिपेंडेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड के जो सैंपल है उसके अंदर बेंजोइक एसिड कितना मौजूद है, कि वो मिलीग्राम से लेकर ट्रेसर अमाउंट तक भी अगर बेंजोइक एसिड मौजूद है तो हम इस टेक्निक को इक्वली सक्सेसफुली कौन सा है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फॉर सेपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है जी। तो दिस इक्वेशन प्रिडिक्ट द एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, दिस इज वन ऑफ द अट्रैक्टिव फीचर ऑफ द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। अगर हम अदर सेपरेशन टेक्निक करते हैं, फिल्ट्रेशन की करते हैं, तो क्या होगा कि अगर बहुत थोड़ी सी अमाउंट में है तो हम उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते, और अगर हम उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो उसमें अगर वो मास का डिफरेंस नहीं है, डेंसिटी का वेरिएशन नहीं है, तो हम उसको डिफरेंशिएट, उसको हम सेपरेट आउट इजीली नहीं कर सकते। अगर क्रोमैटोग्राफी हम सबसे मॉडर्न और एफिशिएंट टेक्निक देखें, तो क्रोमैटोग्राफी चूँकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल होती है जिसकी वजह से उसकी हैंडलिंग जो है दैट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, तो ये एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी इज़ द वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड फिजिबल टेक्निक टू सेपरेट द सब्सटेंसेस। मेथड इज एप्लीकेबल टू ट्रेसर लेवल, फॉर एग्जाम्पल रेडियो एक्टिव लेवल एंड टू मैक्रो लेवल पर भी वो इतना ही एफिशेंट है। Provided the solubility of the solute is one of the phase is not exceeded and there are no side reactions such as dimerization of the extracted solute. और सेकेंड इसका क्या है कि चूँकि कंसनट्रेशन भी कोई ये नहीं है कि किसी एक में बहुत ज़्यादा हो जाएगी दूसरे में नहीं होगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि हम मल्टीपल एक्सट्रैक्शन स्टेप के थ्रू इसकी एफिशिएंसी को इन्हांस कर सकते हैं और कोई साइड रिएक्शंस यहाँ पर नहीं जो है वो रिएक्टिविटी जो सी है वो स्लो डाउन हो जाती है सोइस के वो आयोनाइज हो जाए। और एक और स्टेप इसका क्या क्या है कि अगर हम हाइड्रोजन आयन उसकी एसिडिक पीएच ऑफ द सॉल्यूशन को चेंज करते हैं तो एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी को भी हम चेंज कर सकते हैं, तो डिफरेंट पीएच पे हम एक्सट्रैक्शन को स्टडी करके हम ऑप्टिमाइज कंडीशन को कर सकते हैं और एफिशिएंट बना सकते हैं सिस्टम को। इन दिस एग्जाम्पल बेंजोइक एसिड द हाइड्रोजन आयन विल इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन द बेंजोइक एसिड कंसनट्रेशन अनलेस एन एसिड बेस बफर इज एडेड टू कीप द हाइड्रोजन आयन कॉन्स्टेंट। तो चूँकि वो आयोनाइज हो रहा है, अगर हमने बेंजोइक एसिड की एग्जाम्पल ली है, तो इसलिए वो कहता है कि हमें यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा, अगर हम पी एच को स्टडी करेंगे तो हमें पी एच के केस में उसमें बफर को ऐड करना पड़ेगा, और वो बफर क्या करेगा, पी एच को एक रेजिस्ट करेगा चेंज होने में, और हमें एक स्पेसिफिक पीएच पे हम स्टडी कर सकते हैं एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी को। तो ये हमारे पास कंक्लूजन्स थी, किसकी कंक्लूजन्स थी कि हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो कोरिलेट विद द डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। होप आल यू हैव अंडरस्टैंड इट, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। अच्छा उसके बाद क्या है कि परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कितने परसेंट एक्सट्रैक्शन कैरी ऑन होगी, उसकी एफिशिएंसी को हम कैसे डिस्कस करें, तो उसके लिए वो क्या कहता है कि अगर हम लेते हैं सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है वी एक्वस एंड वी ऑर्गेनिक, रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ द एक्वस एंड द ऑर्गेनिक फेजेस रिस्पेक्टिवली इन लीटर, ठीक है ना, हमने वी एक्वस लीटर लिया है एक सॉल्वेंट और वी ऑर्गेनिक लीटर लिया है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और उसके अंदर हमने कितने सॉल्यूट डाल दिए हैं, सॉल्यूट उसने डाले हैं एंड ई मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कंसंट्रेशन कितनी है ई मोल्स ऑफ सॉल्यूट
ए आउट ऑफ ए सॉल्यूट था उसके ई मोल्स चले गए एंड डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं. टोटल कितने मोल्स थे ए सॉल्यूट ए के? 100 मोल्स. उसमें से ई मोल्स कौन से हैं? वो प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक फेस. ठीक है ना, टोटल कितने थे? 100. 100 में से ई मोल्स कौन से हैं वो चले गए हैं ऑर्गेनिक लेयर में. तो ये क्या बन गया? मोल्स पर पर वॉल्यूम जो है वो क्या होता है आपके पास? कंसंट्रेशन आती है ना, मोलर कंसंट्रेशन है. तो ई मोल पर वी वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक लेयर. तो ये कंसंट्रेशन बन गई आपके पास. ये डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो है, डेट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट ए इन ऑर्गेनिक फेस. उसको उसने कंसंट्रेशन को और जो है वो डिटेल्ड फॉर्म में लिख दिया है कि कंसंट्रेशन इज इक्वल ई नंबर ऑफ मोल्स पर वी वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक फेस डिवाइडेड बाय. तो अब एक्वस लेयर के केस में क्या है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स 100 थे, उसमें से ई मोल्स चले गए हैं ऑर्गेनिक लेयर में, तो बाकी कितने बच गए? 100 माइनस ई दैट आर प्रेजेंट इन द एक्वस लेयर. तो ये उसने एक्वस लेयर में ऐड दोनों. गॉट इट? इसी इक्वेशन को रीअरेंज करें तो डैट विल बिकम ई ओवर वी ऑर्गेनिक मल्टीप्लाई. ये जब ई ओवर वी ऑर्गेनिक को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? वी एक्वस डिवाइडेड बाई 100 माइनस ई. ये इधर जाके क्या हो जाएगा? इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ से ये सॉरी मल्टीप्लाई ई ओवर वी मल्टीप्लाई, ये वी एक्वस ऊपर चला जाएगा 100 माइनस ई. यहाँ पे इसको रीअरेंज कर लिया तो अब क्या आपके पास इक्वेशन आ गई? 100 डी वी ऑर्गेनिक माइनस डी वी ऑर्गेनिक ई इज इक्वल ई इंटू वी. यहाँ से ये डी थी, डी को यहाँ लगाएं तो इसको मल्टीप्लाई किया डी वी ऑर्गेनिक 100 माइनस फिर डी वी ऑर्गेनिक ई. ठीक है, इसके इक्वल है ई इंटू वी एक्वस. ठीक है, इसकी जो राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाती है. अच्छा, इस इक्वेशन में क्या अब हमने कर दिया के जो ई वाली वैल्यू थी इसको हम इधर ले गए लेफ्ट राइट हैंड साइड पे. तो डी 100 डी वी ऑर्गेनिक विल बी इक्वल टू, ये था आपके पास, ये इधर जाके राइट हैंड साइड पे जाके प्लस हो जाएगा डी वी ऑर्गेनिक ई प्लस ई वी एक्वस. ठीक है, इसमें से अब हमने ई को कॉमन निकाल लिया, ई कॉमन निकल गया तो ये क्या रह गया? डी वी ऑर्गेनिक प्लस वी एक्वस. तो 100 डी, ये वी ऑर्गेनिक कौन सा है? ये यहाँ जाकर आपके पास ये इधर से भी डिवाइड हो गया और इधर भी डिवाइड हो गया. तो ई डी वी ऑर्गेनिक से यहाँ कैंसिल हो गया प्लस वी एक्वस ओवर वी ऑर्गेनिक. तो ई will be equal to 100 D is equal E D plus V aqueous over V organic. तो हमारे पास क्या है, हमने क्या करना है कि 100 D हमें efficiency basically चाहिए. ठीक है ना, E क्या था हमारे पास? number of moles थे. तो कितने number of moles कौन से हैं वो present हैं, उसकी efficiency क्या है, उसके लिए हमने क्या किया कि हमने E will be equal to ये 100 D यहाँ रहा, इसको डिवाइड कर दिया, ये जब इधर आ जाएगा तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? D plus V aqueous over V organic. This is the equation that the fraction extracted, कितने फ्रैक्शन जो है वो एक्सट्रैक्ट हुआ है, इसको हम किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, कि किसकी बेस पर वो किस पे अफेक्ट कर रहा है. मोल जो अफेक्टेड डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं, डी क्या थी इसकी? डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो. तो वो क्या किस पे अफेक्ट कर रही है? बेसिकली ये डिपेंड कर रही है ज़्यादातर जो ये कांस्टेंट है ना डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो, तो किसी भी सिस्टम के लिए 100 भी कांस्टेंट है. तो बेसिकली इट वेरीज विद द वॉल्यूम ऑफ द एक्वस लेयर एंड द ऑर्गेनिक लेयर. ठीक हो गया. तो ये जो अगर हम 10 ml ही लेते हैं एक्वस लेयर और 10 ml ही लेते हैं इक्वल आपके पास ऑर्गेनिक लेयर, तो 10/10 इज विल बी इक्वल टू 1. जब ये 1 हो जाएगी तो ई विल बी इक्वल टू, अगर हम दोनों की दोनों जो सॉल्वेंट सिस्टम है दोनों की तो इमिजिबल सॉल्वेंट कौन से हैं उसकी इक्वल वॉल्यूम लेते हैं तो क्या आ जाएगा इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाएगी. नाउ द ई विल बी इक्वल टू 100 डी डिवाइडेड बाई डी प्लस 1.
ठीक है, इसका मतलब है कि अब आपके पास इट इज़ क्लियर डेट द फ्रैक्शन एक्सट्रैक्टेड कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एक्वस सॉल्वेंट एंड द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, डेट इज बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द ऑर्गेनिक फेज. जब हम ऑर्गेनिक फेज को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, आपके पास एक्सट्रैक्शन की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी. If V aqueous is equal V organic, then equation will become this. Got it? So from the above relation, it is clear that more efficient way of increasing the extracted amount is to use the same volume of the organic liquid. कि हम same volume जो है organic liquid का use करें. और भी अगर हम सिस्टम को एफिशिएंट बनाना चाहते हैं तो क्या हो सकता है कि टू परफॉर्म सक्सेसिव एक्सट्रैक्शन विद स्मॉलर इंडिविजुअल वॉल्यूम ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. सॉल्वेंट अच्छा ये यहाँ पे ऑर्गेनिक लेयर था, ठीक है, फिर ऑर्गेनिक लेयर के जो है अगर हम यहाँ पर यहाँ से जो है वो कंफ्यूज आप हो जाओगे, मैं आपको यहाँ से बताती हूँ. फ्रॉम द अबव रिलेशन इट इज क्लियर दैट मोर एफिशिएंट वे ऑफ इंक्रीजिंग द एक्सट्रैक्टेड अमाउंट इज टू यूज द सेम वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड ऑर्गेनिक लिक्विड टू परफॉर्म सक्सेसिव एक्सट्रैक्शन विद स्मॉलर इंडिविजुअल वॉल्यूम ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर डी जोन सा है वो 10 है, अगर डी की वैल्यू 10 है तो वी एक्वस ओवर वी ऑर्गेनिक इज इक्वल 1. The percentage of solute extracted is 90.91%. यहाँ पे वो कहता है कि अगर हम यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू जोन सी है वो 10 ऐड कर देते हैं और ये दोनों हम दोनों की रेशियो इक्वल लेते हैं तो आप जो एफिशिएंसी आप कैलकुलेट करेंगे डेट विल बी इक्वल टू 90%. ठीक है, अब 90% से अगर हम इस रेशियो को वो कहता है कि डिक्रीजिंग द रेशो, ये रेशो कैसे डिक्रीज होगी, डिक्रीजिंग दिस रेशो वी एक्वस ओवर वी ऑर्गेनिक टू बाई डिक्रीजिंग दिस रेशो, ये रेशो कैसे डिक्रीज होगी, बाई इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक लेयर टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. जब हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को इंक्रीज कर देंगे तो ये रेशो जोन सी है वो डिक्रीज हो जाएगी. सपोज हमने ये जोन सा है वो 2 ml लिया है, ये 1 ml ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 0.5, पहले 1 था तो अब ये डिक्रीज हो गया 0.5 रह गया. तो अब क्या होगा, बाय डिक्रीजिंग दिस रेशियो वुड इंक्रीज रिजल्ट्स वुड रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ द एक्सट्रैक्शन अमाउंट टू 95%. बाकी वैल्यूज को हम वही रखें तो अब वो कहता है एक्सट्रैक्शन की एफिशिएंसी जो आंसर है वो इंक्रीज हो जाएगी 95%. हमारा मकसद क्या है कि इस रेशो को हमने चेंज करना है, इस रेशो को जितना डिक्रीज करेंगे उतना ही एफिशिएंट सिस्टम एक्सट्रैक्शन का ले पाएंगे. बट परफॉर्मिंग टू सक्सेसिव एक्सट्रैक्शन विद वी एक्वस ओवर वी ऑर्गेनिक, ठीक है, यहाँ पे हमने 20 ml यूज़ किया ना, तो 20 ml अगर हम यूज़ करते हैं तो रेशियो 0.5 आती है. अब वो कहता है कि अगर हम इसी सिस्टम को जो हमने पहले किया है वो हम करते हैं लेकिन सक्सेसिव स्टेप में 20 की बजाय हम एक वही जो 20 ml हमने, क्योंकि हमें सिस्टम को ज़्यादा ग्रीनर भी तो बनाना ना, हम कम से कम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को यूज़ करना चाहते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नॉर्मली जारी होता है कोई भी केमिकल सिस्टम में जब हम एंटर करते हैं तो वो क्या पोल्यूशन के कॉज बनता है, फिर वो इकोनॉमिकल भी नहीं रहता सोल्यूशन जो आपके सॉल्वेंट परचेज जो है करना वो भी एक हार्ड टास्क होता है. तो अगर हम इसको एक्सट्रैक्शन को 2 times परफॉर्म कर लें कि 10 ml हम पहले डालें, एफिशिएंसी 90% होगी, उसके बाद हम अगेन वही प्रोसेस जो एक्वस लेयर में है उसको एक दफ़ा दोबारा 10 ml डाल के हम एक्सट्रैक्शन को कराएंगे तो आप जो ओवरऑल परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्शन की होगी वो 99% आ जाएगी, रादर देन जो पहले 90% आई 90% में से जो बाकी 10% रह गया था उसको हमने दोबारा जौन सा है उसी एक्वस लेयर में से एक्सट्रैक्ट कर लिया तो अब हमारे पास जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई,
99%, जो हमने 95% डबल 20 ml के साथ डबल की थी, 95% एफिशिएंसी इनहांस हुई थी, और अब हम उसे 99% तक ले सकते हैं जस्ट बाय सक्सेसिव एक्सट्रैक्शन. फ्रॉम द अबव रिजल्ट्स हम क्या कंक्लूड करते हैं? व्हेन अ सॉल्यूट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन एक्वस सॉल्यूशन विद एक्सट्रैक्टिंग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन अ सिंगल स्टेप, द कंप्लीट सेपरेशन डज नॉट टेक प्लेस. ठीक है, बट व्हेन अ सॉल्यूट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन एक्वस सॉल्यूशन बाय परफॉर्मिंग सक्सेसिव एक्सट्रैक्शन विद स्मॉलर पोर्शन ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट. ठीक है, कि स्मॉलर पोर्शन ऑफ द सेम वॉल्यूम, पहले में भी हमने अगर हम उसको मल्टीपल करते हैं, एक में वो नहीं होगा, मल्टीपल में करें, जो हमने एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी की जो इक्वेशन में था कि वी ऑर्गेनिक को डबल कर दें, तो यहाँ उसने कहा कि सेम वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट के साथ हम उसको सक्सेसिव एक्सट्रैक्शन में करते हैं, द कम्प्लीट सेपरेशन ऑफ द सॉल्यूट टेक प्लेस. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द मल्टीपल एक्सट्रैक्शन. इसको हम क्या कहेंगे? मल्टीपल एक्सट्रैक्शन. अब ये सिंगल एक्सट्रैक्शन एंड मल्टीपल एक्सट्रैक्शन हम ये ले सकते हैं बोथ इन द बैच एक्सट्रैक्शन एंड इन बैच एक्सट्रैक्शन में हम इसको रिपीटेड कर सकते हैं, रिपीट परफॉर्म कर सकते हैं. वाइल इन केस ऑफ कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन क्या होगा कि कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन में तो हमारा सिस्टम चल रहा है ना, सॉल्वेंट लगातार यूज हो रहा है, उसमें फिर ये होता है कि उसको हम रोटरी करके सॉल्वेंट को दोबारा से रिसाइकिल कर लेते हैं. ठीक है, तो लेकिन अभी हमारा टॉपिक कहाँ तक है कि हमने आज क्या देखा है कि के डी की वैल्यू डी की वैल्यू से कैसे कोरिलेट करती है, कंसंट्रेशन सॉल्यूट की कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है, वो कैसे इफेक्ट करता है, और जो एफिशिएंसी है सिस्टम की वो कैसे इन्हांस की जा सकती है. एफिशिएंसी में इन्हांस करने के लिए हम अगर जो वो टोटली वो कहता है डिपेंड कर रही है वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक लेयर एंड द एक्वस लेयर. वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक लेयर जो सा है उसको सिस्टम को ग्रीनर करने के लिए वो कहता है कि अगर हम इसको सिंगल स्टेप एक्सट्रैक्शन की बजाय मल्टीपल एक्सट्रैक्शन करते हैं तो सेम वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक लेयर के साथ हमें मोर एफिशिएंट सिस्टम जो सा है वो हम डेवलप कर सकते हैं. होपफुली यू ऑल हैव अंडरस्टैंडेड. आप अगर किसी को इसमें कुछ क्यूरी होगी तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी. थैंक यू वेरी मच.